पीपीडी खबर। नमस्कार, पीपीडी खबर में आपका स्वागत है। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद एटा से है। पिछले दिनों दिल्ली सिविल डिफेंस में सेवारत देश की बेटी साबिया उर्फ राबिया सैफी की दुष्कर्म के बाद नरसंहार हत्या कर दी गई थी। साबिया उर्फ राबिया सैफी को न्याय दिलाने की मांग को लेकर समाजवादी अल्पसंख्यक सभा एटा द्वारा महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम ज्ञापन उप जिलाधिकारी सदर अब्दुल कलाम को सौंपा। डाक बगलिया जीटी रोड स्थित जिला समाजवादी पार्टी कार्यालय पर समाजवादी अल्पसंख्यक सभा की बैठक पार्टी जिलाध्यक्ष परवेज जुबैरी की अध्यक्षता में आयोजित की गई। उसके बाद सभी नेता व कार्यकर्ता मौन जुलूस के रूप में कलेक्टरेट पहुंचे, जहां मौजूद एटा सदर उप जिलाधिकारी अब्दुल कलाम को ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष परवेज जुबैरी ने कहा कि साबिया सैफी को जिस दरिंदगी के साथ कत्ल किया गया है, उसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए कम है। उन्होंने कहा, सरकार बेटी बचाओ बेटी बेटी पढ़ाओ का नारा दे रही, जो पूरी तरह खोखला साबित हुआ है। उन्होंने सरकार से साबिया सैफी को इंसाफ दिलाए जाने की मांग की। जिला उपाध्यक्ष जमशेद आलम ने कहा कि साबिया उर्फ राबिया सैफी के मामले को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है, सरकार ईमानदारी के साथ मामले की जांच कराए। जिला महासचिव भूपेंद्र प्रजापति ने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार में बहन बेटियां सुरक्षित थी। साबिया उर्फ राबिया सैफी की घटना ने भाजपा सरकार के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारे की पोल खोल कर रख दी है। सपा अल्पसंख्यक सभा के जिलाध्यक्ष फैनुद्दीन वारसी ने कहा कि सरकार देश की बेटी साबिया उर्फ राबिया सैफी को न्याय दिलाने के लिए सीबीआई जांच कराए और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाए और उसके परिजनों को उचित आर्थिक सहायता दे। इस अवसर पर पूर्व जिलाध्यक्ष अशरफ हुसैन, पूर्व ब्लॉक प्रमुख अनिल कुमार यादव, पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष शिवराज सिंह कश्यप, संयुक्त के जिलाध्यक्ष संदीप यादव, लोवा के जिलाध्यक्ष भानु प्रताप यादव, महिला सभा की जिलाध्यक्ष डॉक्टर राजकुमारी धनगर, छात्र सभा के जिलाध्यक्ष अनंत सविता, सरफराज अहमद, बबलू सर्वेंद्र यादव, डॉक्टर अक्रम खां, रिजवान खां, रईस खान, डॉक्टर सत्तार अली, डॉक्टर इब्राहिम अली, अविनाश यादव, जीतू प्रशांत यादव, अनिल कुमार सागर, अनूप यादव, जैनुल अब्दीन वारसी, अदनान सिद्दीकी, फैशल वारसी, डॉक्टर अमन खां, ताहिर हुसैन, जमीर सैफी, हनीफ सैफी, राहत अली, कले इदरीस सैफी, चांद बाबू, सलीम सैफी, परवेज अब्बास, शादाब अब्बास, शेर मोहम्मद, कामिल कुरैशी, मुजफ्फर खां, आजम खां, नईम खां, रिहान खां, ताहिर हुसैन, समीउल्लाह, अक्षय यादव, योगी यूनुस सिद्दीकी, वसीम कुरैशी, राजीव ठाकुर, मुनेश यादव, मुनू रईस सैफी, आशिक अली सुल्तान, ठेकेदार चांद मोहम्मद, गौरव प्रजापति, सुनील यादव, रिंकू यादव, शीला प्रजापति, कांति देवी जैन, विनोद यादव, अली मोहम्मद सैफी, मु शाकिर सैफी, रईस सैफी, निसार अली, प्रवीण नायक, चंद्रकली यादव, निखिल धनगर, यमीन वारसी, नौशाद नन्नू खान, नईमुद्दीन रहमान, अली शफी, मोहम्मद असलम कादरी, साबिर खान सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। एटा से चंद्रवीर राजपूत की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल पीपीडी खबर। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूले।